हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अभी आपको अच्छे कर देते हैं, गदगद कर देते हैं सुपर से गाने के साथ। आपके लिए लेके आए हैं, किसका गाना है ये? प्रमोद प्रेमी, और जिसका नाम ही प्रेमी है उसमें कितना प्रेम होगा, उसकी आवाज में कितना प्रेम होगा, बिल्कुल यही सोच के हम ये गाना लेके आए हैं। जस्ट जोकिंग, आप लोगों ने सजेस्ट किया इसलिए लेके आए हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों ने गाना सजेस्ट किया है, बता देते हैं किस किस भाई ने सजेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। अरुण तिवारी, बीएल यादव, यादव बीएल है क्या? बी1 है, बी1 है। बाबू स्टेटस जोन 59, दिनेश चौहान 11, एंड गोई यादव, गोलू यादव है। जमशेद आलम, करण मासफन, कृष्णा नंद प्रजापति, मयंक कुमार, नीतीश कुमार, पिंटू तिवारी 1 2 3 4, प्रदीप प्रसाद, एस रुद्रा ऑफिशियल, SSSK, विकास पांडे, विक्रम कुमार, म्यूजिक भंडार, रानी अहूजा 78, रंजीत यादव 2882, कैसे बोल रहे हो आप, सनविका शर्मा, वाईटी तिवारी जी। तो मेरे भाई वाईटी तिवारी जी तो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हाँ, है, बहुत कमेंट्स आ चुके हैं। सनविका शर्मा भी हैं, बहुत पुरानी। सच्ची में झूठ तो नहीं बोल रही आप? मैं क्यों झूठ बोलूं, लड़की देख के झूठ बोल दिया? नहीं 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 नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने कमेंट्स करते हो, हम आपको अच्छे लगते हैं, हमारे रिएक्शन अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगने के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है। आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों। यार आप लोग हो तो हम हैं, जब तक आप लोग हमें प्यार कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो ना आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो गाना सुनेंगे प्रमोद प्रेमी जी का याद, बस ये गाना रुला ना दे क्योंकि सैड सॉन्ग से मुझे लगता है डर, क्योंकि इनको याद आ जाती है फिर किसी की सच में किसी की। और चलिए गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो, इसके बारे में बात करेंगे। ओ ब्यूटीफुल गर्ल, इनोसेंट सी अच्छी मॉडल है ना, क्या बात है। ढेर दिन भाई पता न लग जान हो, कहाँ गइलू भइलू ईद के तू जान हो, ढेर दिन भइल पता न लग जान हो, कहाँ गइलू भइलू ईद के तू जान हो, तब हमारा अपना तोहर प्यार आवता, अब हमारा अपना तोहर प्यार आवता, केहू को हमें तब फोन ना तोहारी आवता, लागे मिल गइल बा दोसर कौनो यार, तब फोन ना तोहारी आवता। संसार भावता,
हुकुमी पूरा करो तहमा तब फोन ना तोहार आवता लागे मिलता इन पतो सर कौनो या तब फोन ना तोहार आवता पहले टाइम याद कर रहे हैं जाही करो है बातो कहे खाती आईलू पर मधु के प्यार के मतलब कहे सिखाईलू कहे सिखाईलू जाही करो है बातो कहे खाती आईलू पर मधु के प्यार के मतलब कहे सिखाईलू उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है कितने इनोसेंट बना दी। सेकंड पार्ट में पता चलेगा। वन साइडेड लव तो नहीं था ऐसे लग रहा है नहीं। तो दोस्तों लास्ट में जो हुआ ना वो समझ नहीं आया यार कि लड़की इतनी इनोसेंट सी क्यों लग रही है वो। हाँ। मतलब उसको वो मिलने के लिए गई बड़ी खुश हो गई। हाँ। तो इसके लिए तो बड़ा इन्होंने सस्पेंस बना दिया सेकंड पार्ट का। हाँ। तो भाई सच में अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमें तो ये गाना बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को ये गाना कैसा लगा ये जरूर बताएं। बड़ा सैड सॉन्ग था। इनकी जो कुछ बातें थी ना वो मैं मतलब बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगी मेरे को जो बातें कि भाई मतलब प्यार का मतलब समझाया ही क्यों। हाँ। अगर दिल तोड़ना ही था तो, और अगर जाना ही था तो जिंदगी में आई ही क्यों। ये बड़े मतलब बड़े प्यारे बोल थे, ये बड़े अच्छे बोल थे। तो दोस्तों ऐसे दिल किसी का टूट जाता है तो इग्नोर करो यार, वो खान सर वाली बात है। हम खान सर की वीडियोज भी रिएक्ट करते हैं कि भाई इस चक्कर में ही मत पड़ो, पहले अपनी जिंदगी बनाओ फिर देखना प्यार प्योर। और एक बहुत मतलब बढ़िया बंदे ने बात कही थी कि पूरी कोशिश करो जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाए। ये हर चीज़ में अप्लीकेबल है, बात ध्यान से सुनना। और अगर उससे शादी नहीं होती तो जिससे शादी होती है उसी से प्यार हो जाए, ये सबसे बेस्ट तो ये है। और दूसरी बात ये हर चीज़ में अप्लीकेबल इसलिए है, आपके काम धंधे में भी अप्लीकेबल है। अगर आपका कोई फर्स्ट प्रायर गोल है अगर वो मिल जाता है तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। अगर वो नहीं मिलता तो जो मिलता है उसी को गोल बनाओ, उसी में सक्सेस होकर दिखाओ। ये है जिंदगी का चक्कर, इसमें कामयाब होना है तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। और हमें लगा ये गाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका भी कुछ ऐसा सीन रहा है क्या? काम धंधे को लेके नहीं, शादी वाले को लेके? नहीं 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 नहीं, आपकी हरकतों से तो आजकल ऐसे ही लगता है कि शादी नहीं नहीं। और दोस्तों जब ये गाना स्टार्ट हुआ था ना तो लड़के ने व्हाइट कलर के जो कपड़े डाल रखे थे और उसने उठते ना शराब पी, मेरे को पता क्या डर चढ़ रहा था, हाय मैं गिर ना जाए कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या आपको धोने थे क्या? नहीं पर टेंशन हो रही थी पता नहीं क्यों। एक हाउसवाइफ की मेंटेलिटी है दोस्तों ये, कपड़े गंदे होना हो जाए, कोई खाना भी खा रहा होता तो ये लगता है ओ ये कपड़ों पे ना गिर जाए, धोने तो मेरे को ही है क्योंकि ना सफेद कपड़ों से फिर दाग तो जाएंगे नहीं, इसलिए मेरे को लग रहा है। एक हाउसवाइफ की बातें हैं दोस्तों, जो हाउसवाइफ हमारी वीडियोज देखती है वो समझ जाएंगी, जो पति हमारी वीडियोज देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों चैनल को करो सब्सक्राइब, हम इंस्टाग्राम पे करो फॉलो, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय। Bye.